एक तीन बच्चे, एक कौन? सॉरी, इसको बोर्ड बस है सर, बोल तो हो जाने वाले। इज दिस ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? यस सर। ओके, सो टुडे इज द फर्स्ट क्लास ऑफ एनएमटीसी स्टेज टू। ओके, सो टुडे वी विल स्टार्ट द एलजेब्रा। ओके, टुडे स्टार्ट करेंगे एलजेब्रा। देखिए बेटा, एलजेब्रा में वैसे जनरली आप पढ़ते होंगे पॉलिनोमियल, एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ओके, ये सब इसी का पार्ट है आपके पास। ओके, तो यहां पर देखिए काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेंगे, बट थोड़ा सा एक जो आपने बेसिक पढ़ा हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। आपने यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ा हुआ है एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ओके, एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इसमें आपके पास अ वेरिएबल होगा, कॉन्स्टेंट एंड कोफिशियंट। क्लियर है? फर्दर एलजेब्रिक एक्सप्रेशन से आप किस पे मूव हुए? पॉलिनोमियल पर। ओके, पॉलिनोमियल की बात करें, सो पॉलिनोमियल में जो पावर ऑफ वेरिएबल है दैट शुड बी अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। आपके पास जो पावर ऑफ वेरिएबल है वो क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। फर्दर आपने इसके पॉलिनोमियल्स के टाइप्स पढ़े बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। आपने पढ़े बेटा यहां पर मोनोमियल्स, बाइनोमियल, ओके, और ट्राइनोमियल। ये जनरली आप पढ़ते भी हो और स्टेज वन में कंप्लीट कर ली भी लिया होगा आपने ये, ठीक है ना? तो इनको करना आई थिंक वेस्ट ऑफ टाइम है। क्लियर है? तो थोड़ा सा हल्का सा इंट्रोडक्शन करके आगे मूव करेंगे। मोनोमियल सिंगल वन टर्म, बाइनोमियल टू टर्म्स, ट्राइनोमियल थ्री टर्म्स। क्लियर है? नेक्स्ट वन यहां पर आएगा बेटा, आपके पास एक वर्ड है डिग्री। डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। क्लियर है? नाउ डिग्री के बेसिस पर टाइप्स जो होते हैं पॉलिनोमियल के, पता है आपको? फर्स्ट वन इज, बोलिए, फर्स्ट होगा आपके पास कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल। कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल मीन्स अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री जीरो। ओके, जिसका डिग्री क्या होगा आपके पास? जीरो होगा। क्लियर है? फर्दर आपके पास सेकंड वन इज लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री वन। ओके, इफ यू टॉक नेक्स्ट दैट इज क्वाड्रेटिक हैविंग डिग्री टू, एंड थर्ड फोर्थ वन विल बी क्यूबिक पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री थ्री। ओके, एंड नेक्स्ट फिफ्थ वन विल बी बाई क्वाड्रेटिक। ओके, ये आपके पास होगा डिग्री फोर। ओके, नेक्स्ट वन देखिए, यहां पर आपने पढ़ा है वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट यहां आप रीड कर चुके हो बेटा वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, वैल्यू का मीन है सपोज आपके पास एक फंक्शन गिवन है या एक पॉलिनोमियल गिवन है, दैट इज एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ओके, एंड यू टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट एक्स इक्वल टू। ओके, सपोज आपके पास एक क्वेश्चन है एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट एक्स इक्वल टू टू। सो आपको क्या करना है? एक्स को रिप्लेस करना है किससे? टू से। क्लियर है? एक्स के प्लेस पर आप टू पुट कर दोगे, सो इट विल बी पी ऑफ टू, दैट इज टू क्यूब माइनस थ्री इंटू टू स्क्वायर प्लस टू प्लस वन। फर्दर इसको कैलकुलेट कर लेंगे, वो आपके पास क्या होगा? रिमाइंडर हो जाए, सॉरी, इसका वैल्यू हो जाएगा आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट वन सेम इसी से आपके पास निकल के आता है बेटा, सॉल्यूशन ऑफ अ पॉलिनोमियल, या इसी को आप बोल सकते हो जीरो। पढ़ा होगा आपने
जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल या फिर सॉल्यूशन ऑफ अ पॉलिनोमियल, मींस वैल्यू ऑफ एक्स आपने पुट किया और आपके पास जो पी टू है या जो पी ऑफ एक्स की वैल्यू है, आपने क्या पुट किया, एक्स इक्वल टू ए आपने पुट किया और आपके पास एफ ऑफ ए जो है या पी ऑफ ए जो है वो क्या बन जाए बेटा आपके पास, जीरो। ठीक है, मींस वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट विच द पॉलिनोमियल बिकम जीरो। जहां पर आपके पास पॉलिनोमियल जीरो फॉर्म होगा तो वो वैल्यू ऑफ वेरिएबल आपके पास क्या होगा, उसका सॉल्यूशन होगा, क्लियर है, या उसका क्या होगा, जीरो होगा। फर्दर आप पढ़ चुके हो फॉर एनी पॉलिनोमियल जितना उसका डिग्री होगा उतने उसके क्या होंगे, जीरोज होंगे, क्लियर है। जैसे इसकी डिग्री बताएं कितनी है बेटा, इसकी डिग्री थ्री है, सो इसके नंबर ऑफ जीरोज भी कितने होंगे आपके पास, जीरो। ओके, नेक्स्ट वन, यहां से आपके पास एक निकल के आता है रिमाइंडर थ्योरम। पढ़ा आपने रिमाइंडर थ्योरम? रिमाइंडर थ्योरम क्या होगा कि एक पॉलिनोमियल आपके पास गिवन है एफ ऑफ एक्स, देखिए कोई भी आपके पास एक पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स, ओके, इसको अनदर पॉलिनोमियल जी ऑफ एक्स से आपने डिवाइड किया तो कोई ना कोई आपके पास क्या निकल के आएगा बेटा, कोशंट। ओके, और यहां पर आपको क्या मिलेगा, एक रिमाइंडर मिलेगा, क्लियर है। तो एक मेथड तो आपके पास ये हो गया फाइनल कि आप इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा आपके पास, निकल के आ जाएगा स्टेप्स, ठीक है ना। तो रिमाइंडर निकालने का एक प्रोसेस तो ये हो गया आपके पास कि डिवाइड करके निकालिए, ठीक है। एक जब आपसे सिर्फ रिमाइंडर के बारे में पूछा जाए तो आप वहां पर क्या अप्लाई कर सकते हो, रिमाइंडर थ्योरम का यूज कर सकते हो, ठीक है। जस्ट लाइक मेरे पास एक क्वेश्चन है कि पी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस एट, ओके, ये क्वेश्चन मेरे पास है और मुझे रिमाइंडर फाइंड आउट करना है जब मैं इससे किससे डिवाइड करूं, एक्स माइनस थ्री से डिवाइड करूं, ओके, तो क्या कर सकता हूं मैं, सिंपल, जो आपके पास डिवाइजर है एक्स माइनस, तो इसको आप जीरो के इक्वल पुट कर लीजिए, यहां से क्या मिल जाएगा आपको, एक्स इक्वल टू थ्री, और ये एक्स इक्वल टू थ्री एज इट इज आप इसमें पुट कर दीजिए, इसका जो वैल्यू होगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ओके। तो ये आपके पास इससे रिलेटेड कुछ जो बेसिक था जो पढ़ चुके हो, क्लियर है, वो था, ठीक है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं, तो लिखिए आप फर्स्ट क्वेश्चन, इसको किसी में अगर डाउट है तो आप बोल सकते हो, लिखिए बेटा फर्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द फर्स्ट वन, इफ द पॉलिनोमियल टू एक्स क्यूब प्लस एट एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस फाइव एंड एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस ए लीव द सेम रिमाइंडर when divided by x minus 2, okay, find value of a, a का वैल्यू आपको फाइंड करना है, ठीक है, करिए बेटा आप सोल्व इसे। टू पॉलिनोमियल्स आपके पास गिवन है, ओके, 45, बाकी स्टूडेंट्स भी करिए, 45 कितना आएगा बेटा, सर 45, ओके,
बाकी स्टूडेंट्स भी करिए सॉल्व इसे। चलिए देखिए यहां पर हो गया बेटा, आपने कर ही लिया है ना, बाकी स्टूडेंट्स भी करिए। देखिए टू पॉलिनोमियल है आपके पास, ओके, फर्स्ट एंड सेकंड, रिमाइंडर सेम है इनका, क्लियर है? इनका जो रिमाइंडर है वो क्या है, सेम है, कब, जब आप किससे डिवाइड करते हो, x माइनस टू से, क्लियर है? तो दोनों पॉलिनोमियल को कुछ अज्यूम कर लीजिए, ओके, मींस सपोज फर्स्ट को मैंने p ऑफ x अज्यूम किया, सो ये हो गया मेरे पास 2x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, ओके। सेकेंड पॉलिनोमियल है आपके पास q ऑफ x, x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 4x प्लस a, क्लियर है? देखिए आप डिवाइड किससे कर रहे हो, x माइनस 2 से, तो ये आपके पास g ऑफ x हो गया p, और इसको कुछ और अज्यूम कर लीजिए, f ले लेते हैं, ठीक है, g ऑफ x आपके पास कितना है बेटा, x माइनस 2, क्लियर है? अब देखो रिमाइंडर की बात कर रहा है, तो ऑब्वियसली आप जी ऑफ एक्स को किसके इक्वल पुट कर सकते हो, जीरो के इक्वल, इसको आपने जीरो के इक्वल पुट किया एक्स इक्वल टू टू, ओके। सपोज मुझे रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, जब मैं इसको डिवाइड करूं तो क्या करना पड़ेगा, एक्स के प्लेस पर क्या पुट करना पड़ेगा, टू, क्लियर है? तो ये रिमाइंडर किसका आएगा, इसका आएगा मेरे पास, मतलब पी ऑफ टू। नेक्स्ट वन, इस का रिमाइंडर अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो इसमें भी x के प्लेस पर क्या पुट करना होगा, 2 पुट करना होगा एज इट इज, तो इसका जो रिमाइंडर आ जाएगा वो होगा मेरे पास f ऑफ 2, एंड बोथ ऑफ द रिमाइंडर्स आर सेम, गिवन है आपको क्वेश्चन में, दोनों रिमाइंडर्स क्या है, सेम है, तो इसका मीन है कि p ऑफ 2 एंड f ऑफ 2 दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, दोनों को मैंने इक्वल पुट कर दिया, इक्वेशन बन गई, सोल्व करो आंसर निकाल लो, देखिए 2 रख दीजिए आप इसके प्लेस पर, सो 2 इंटू 2 पावर 3, 8 इंटू 2 स्क्वायर, इधर हो जाएगा बेटा आपके पास 3 इंटू 2 माइनस 5, ओके, फर्दर f ऑफ 2 इसमें आप 2 पुट करिए, सो 2 पावर 3 प्लस 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू, सोल्व करिए इसको कितना आएगा बेटा ये 16, फर्दर देखिए 2 स्क्वायर 4, 4 इंटू 8 32, ये हो गया आपके पास कितना 6 माइनस 5, ओके, इसको भी सोल्व करना आपको कितना आएगा 8 प्लस 4 माइनस 8 प्लस a, ये कैंसिल आउट हो गया आपके पास, ओके, फर्दर इसको सोल्व कर लिए कितना होगा ये 48 प्लस 6 54, 54 माइनस 5 49 और माइनस 4, तो a का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा, क्लियर है? कर लीजिए इसको नोट। नोट कर लो बेटा इसे। And is this clear to all of you? बेटा क्लियर है सभी को आपको?
कंप्लीट. ओके नेक्स्ट देखते हैं बेटा. कुछ आपने एलजेब्रिक आइडेंटिटीज भी पढ़ी हुई है. ओके जस्ट लाइक ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए माइनस बी होल स्क्वायर. क्यूब में भी पढ़ी हुई है ना आपने. ओके क्यूब में पढ़ी हुई है. एक आइडेंटिटी और लिखी है उसमें, इंक्लूड करिए. कर दो रफी से. एक देखिए एक आइडेंटिटी और होती है आपके पास, एलजेब्रिक आइडेंटिटी. पढ़ा होगा वैसे वो भी आपने, क्वेश्चन के फॉर्म में पढ़ा होगा शायद. चाहे ये होता है आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी. ये जो है वो किसके इक्वल होता है, हाफ ऑफ ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर. ओके एक ये भी आइडेंटिटी जनरली यूज आ जाती है. ओके देखिए इसका सिंपल अगर आप प्रूफ करना चाहो तो सिंपल प्रूफ आप इसका कर सकते हो. कैसे, आप आरएचएस वाले पार्ट को पिक करिए. ओके यहां से आप पिक करोगे तो इसको आप ओपन करोगे ए माइनस बी होल स्क्वायर से, तो यहां मिलेगा आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, यहां मिलेगा आपको बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी, यहां मिलेगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू सी ए, ए स्क्वायर यहां पर और ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर टू बी स्क्वायर हो जाएगा, सी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर टू सी स्क्वायर हो जाएगा, फर्दर यहां मिलेगा आपको माइनस टू ए बी. ओके माइनस टू बी सी एंड माइनस टू सी ए. आप सब में से सिक्स टर्म्स हो जाएंगे आपके पास, ऑल सिक्स टर्म में से टू 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 आप कॉमन ले लीजिए, वो टू कॉमन जो है वो इससे कट जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट इसके इक्वल आ जाएगा आपके पास आंसर. ओके तो वैसे आपने क्वेश्चन भी पढ़ा होगा, क्वेश्चन के फॉर्म में भी आ जाती है आइडेंटिटी कभी कभी. बाकी अगर आप ध्यान रख लोगे तो कुछ क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो आप. देखिए अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन लेते हैं. बाकी और तो पता है ना आपको सब आइडेंटिटीज, है ना, क्यूब में. बेटा पता है आपको सब आइडेंटिटीज क्यूब वाली, बताऊं लिखूं? चलो लिख लेते हैं, क्यूब वाली लिख लीजिए ना. ठीक है चलो एक ये हो गई, साथ के साथ नोट कर लीजिए आप. एक होता है ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ये होगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी टू बी सी और टू सी ए. ओके थर्ड वन आप नोट डाउन कर सकते हो, ए प्लस बी होल क्यूब, सो ये होगा आपके पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी ए प्लस बी. ओके फोर्थ वन आपके पास हो जाएगा बेटा ए माइनस बी होल क्यूब, सो ये होगा आपके पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी ए माइनस बी. फिफ्थ वन हो जाएगा आपके पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास ए प्लस बी और सेकंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. सिक्स वन होगा आपके पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब, दैट इज ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. सेवंथ वन आपके पास हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी, तो ये होता है बेटा आपके पास ए प्लस बी प्लस सी, फर्दर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए. ओके और एक और होती है लास्ट वन सिक्स सेवन एट्थ, इस कंडीशनल है ये, है ना, इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, है ना, ये तभी अप्लीकेबल होगा जब ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो होगा. देखिए सब ध्यान दीजिए एक मिनट, ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल. तो इस आइडेंटिटी में चलिए ये टर्म जीरो के इक्वल है,
तो जीरो मल्टीपल जो भी टर्म होगा वो सब कुछ जीरो हो जाएगा इसके मल्टीपल में, तो ये कंप्लीटली किसके इक्वल हो गया, जीरो के इक्वल। तो क्या आएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल। तो आप क्या कर सकते हो, थ्री ए बी सी को ट्रांसफर कर दीजिए। सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा, थ्री ए बी सी के। ओके, तो ये जो है वो इसी पर डिपेंडेंट है, बट इसके लिए रिक्वायर्ड कंडीशन है कि इनका सम जो है वो जीरो होना चाहिए, तभी होगा ये। ठीक है, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल थ्री ए बी सी। ओके, ये कुछ आइडेंटिटीज हैं, आप नोट डाउन कर सकते हो उसे। Okay, then take next question. Got the better of? Okay. चलिए next question लिखिए आप। क्वेश्चन नंबर टू, इफ ए इक्वल सेवन, ए इक्वल सेवन, बी इक्वल टू फाइव एंड सी इक्वल टू एट, देन फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये फाइंड करना है, इसको दोनों मेथड से कर सकते हो, या तो डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर दीजिए इसी में, या फिर इसका आइडेंटिटी है ना, उससे थोड़ा सा क्या है टाइम कम लगेगा उससे। सोल्व करिए इसे। सेवन सेवन आ रहा है। ओके, देखो सेवन स्क्वायर 49 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा आपके पास, ये 64 हो जाएगा, कितना होगा 49 और 138, ये होगा ना। नेक्स्ट वन आपको क्या करना है, ए बी, तो 7 इंटू 5 35 होगा, माइनस 5 8 जा 40 होगा, और सी ए तो ये हो जाएगा आपके पास 56, 6 प्लस 5 11, ओके 3 प्लस 4 7, 8 प्लस 5 13, सो 7 आंसर आ जाएगा इसका फाइनल। ठीक है, आगे बेटा, 7 करेक्ट आंसर है इसका। ओके, नेक्स्ट वन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ ए प्लस बी प्लस सी
इक्वल टू जीरो, ओके, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वन अपॉन ए प्लस बी, बी प्लस सी, दो ब्रैकेट है बेटा डिनोमिनेटर में, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सेकंड में है आपके पास बी प्लस सी, सी प्लस ए, नेक्स्ट वन है यहां पर आपके पास सी प्लस ए और फर्दर ए प्लस बी, ओके, सोल्व करिए इसे। कंडीशन गिवन है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, देन इनकी वैल्यू फाइंड करना आपको। सर हाँ बेटा बोलो। सर एक बार आपको आइडेंटिटी लिख दोगे? आइडेंटिटी कौन सी? हाँ। अच्छा आइडेंटिटी इसकी, ठीक है, इससे रिलेटेड वो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो वो था, वही बोल रहे हो बेटा? यस सर। ओके, वो था आपके पास इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल थ्री ए बी सी, ये था बेटा आपके पास। कोई आइडिया क्या हो सकता है? नहीं सर समझ नहीं आ रहा है अभी तो इसका। चलो करते हैं बेटा। सर जीरो आ रहा हूँ, जीरो, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। देखिए क्या होगा इसमें, इसका यूज आएगा ही नहीं, है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल इस आइडेंटिटी का कोई यूज नहीं आएगा। यहां पर देखिए क्या कर सकते हो आप, आपके पास लिखा हुआ है देखिए वन अपॉन ए प्लस बी है आपके पास, ओके, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो यहां है और यहां पर ए प्लस बी है, तो अगर यहां से ए प्लस बी का वैल्यू मैं फाइंड करूं तो क्या मिलेगा? माइनस सी, यहां से माइनस सी, तो ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगा माइनस सी, ओके, और बी प्लस सी में फाइंड आउट करूं कितना आ जाएगा? माइनस ए, क्लियर है? अगेन सेम प्रोसेस सेकेंड टर्म के लिए, बी प्लस सी माइनस ए होगा और c प्लस ए जो है वो हो जाएगा बेटा माइनस बी, क्लियर है? नेक्स्ट वन के लिए वन अपॉन c प्लस ए माइनस बी होगा और a प्लस बी आपके पास क्या हो जाएगा? माइनस सी हो जाएगा, ओके, नेक्स्ट वन देखिए वन अपॉन, ये दोनों क्या है मल्टीपल में है, सो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा आपके पास और ये ac आ जाएगा या c आ जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास ab और ये हो जाएगा बेटा आपके पास bc, ओके, नेक्स्ट वन देखिए a इंटू सी, ए इंटू बी, बी इंटू सी, तीनों टर्म्स का क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लो, क्या आएगा एलसीएम बताइए? a b आएगा, b आएगा और c आएगा, तीनों आएंगे, क्लियर है? क्योंकि a पावर वन यहां पर हाईएस्ट पावर वन है, यहां पर भी वन ही हाईएस्ट पावर, तो वन ही लेना पड़ेगा, b है c है a c, देखिए a और c कॉमन है कट कर दोगे, b बचेगा यहां से तो ये b यहां आ गया, ए बी तो ए बी कट गया, C into 1 ये C आ जाएगा आपके पास, BC कट हो गया A आ गया तो ये A आ गया आपके पास। अब देखिए AB A plus B plus C है, इसका वैल्यू कितना है आपके पास? जीरो, तो ये आ जाएगा आपके पास जीरो डिवाइड बाय ABC, जीरो डिवाइड बाय एनीथिंग इट विल बी जीरो, ओके। अच्छा LCM कैसे ले, देखो आपने एलजेब्रा में
या जो पॉलीनोमियल उसमें आपने इस टाइप से फैक्टर्स करते हो ना आप, ए सी के फैक्टर्स क्या होंगे बेटा, ए इंटू सी, बी सी के, ए बी के फैक्टर्स क्या होंगे आपके पास, ए इंटू बी, और बी सी के फैक्टर्स क्या होंगे, बी इंटू सी. इन केस ऑफ एलसीएम, एलसीएम में आपसे बोला है बेटा कि हाईएस्ट पावर लेनी है और हर टर्म लेनी होती है, तो सबसे पहले ए को देखें, ए इसमें है इसमें नहीं है, इसमें है इसमें नहीं है, बट फिर भी आपको उसको लेना पड़ेगा. तो ए मैंने ले लिया और हाईएस्ट पावर, तो यहाँ भी पावर वन है बेटा, यहाँ भी पावर वन है, तो पावर वन ही हाईएस्ट होगा. ओके, बी को आप चेक करो, बी आपको यूज में लेना है, तो बी यहाँ है, यहाँ है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ नहीं है, तो बी की हाईएस्ट पावर भी वन ही है, तो बी को वन वन टाइम लेना है. ऐसे सी को भी लेना है आपको वन टाइम. हर वेराइटी आगे देखिए आप. ओके, करिए बेटा इसको कंप्लीट. सर कर लिया कंप्लीट. ओके, नेक्स्ट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास, इफ ए अपॉन वन माइनस ए प्लस बी अपॉन वन माइनस बी प्लस सी अपॉन वन माइनस सी, ओके, इसका वैल्यू आपको वन दे रखा है, ओके, देन फाइंड करना है आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू फाइंड करना है किसके लिए, वन अपॉन वन माइनस ए प्लस वन अपॉन वन माइनस बी प्लस वन अपॉन वन माइनस सी, ये वैल्यू फाइंड करना है आपको. ए अपॉन वन माइनस ए प्लस बी अपॉन वन माइनस बी प्लस सी अपॉन वन माइनस सी, इसका वैल्यू आपको वन गिवन है, एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वन अपॉन वन माइनस ए, वन अपॉन वन माइनस बी एंड वन अपॉन वन माइनस. करिए बेटा ऐसे ट्राई. नहीं था जीरो. करिए ट्राई करिए. वन अपॉन ए बी सी, ये भी नहीं आया सर. हाँ हाँ बेटा बोलिए सर. इसका आंसर जो है वो कंप्लीट, मतलब कंप्लीट कंप्लीट, यस, इंटीजर, इंटीजर कंप्लीट इंटीजर है और पॉजिटिव इंटीजर होगा. देखिए ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको या तो हर टर्म में प्लस वन करना होगा या माइनस वन करना होगा, क्योंकि इसमें और इसमें डिफरेंस देखिए आप, यहां पर बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, यहां न्यूमरेटर में ए है और यहां न्यूमरेटर में वन है, क्लियर है. तो इस कंडीशन में आपको या तो प्लस वन करके बनाना पड़ेगा या माइनस वन करके, ठीक है ना. तो यहां पर आप देखिए, अगर इसके साथ ध्यान देना, अगर इसके साथ a अपॉन वन माइनस है, इसके साथ मैं प्लस वन कर दूं, इसके साथ मैंने प्लस वन कर दिया और फर्दर इन दोनों का मैं एलसीएम लेता हूं, तो एलसीएम वही वन माइनस ए आएगा सेम. तो a प्लस वन मल्टीपल होगा वन माइनस ए से, देखिए a कैंसिल आउट हो गया, बन गया आपके पास. ओके, सो टू नहीं फोर आएगा बेटा, ये क्यों किया, ये आपके पास है ना भाई, प्रोसेस क्या है आपके पास, देखिए इसको रफ कर देते हैं एक बार, फोर आएगा ना बेटा, देखो एक सेकेंड है ना, क्योंकि वन इसके लिए लाना पड़ेगा, वन इसके लिए, वन इसके लिए,
तो इसका मतलब थ्री आप लेफ्ट में ऐड कर रहे हो तो थ्री को ही आपको राइट में ऐड करना होगा, तो थ्री और ऑलरेडी वहां वन अवेलेबल है, क्लियर है। अब आपका डाउट देखते हैं, प्लस वन किया बेटा आपने, एलसीएम लिया, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम लोगे दो डिफरेंट वैल्यूज का, एक ये वैल्यू और एक वन है, तो वन का तो कोई रोल है नहीं, ओके। तो इसका जो एलसीएम है वो क्या जाएगा आपके पास, वन माइनस है। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है आपके पास कि इसके डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करिए आप, कितने टाइम डिवाइड होगा, वन टाइम, वो वन इसके न्यूमरेटर से मल्टीपल होगा, सो ए इनटू वन दैट विल बी वन, ओके। फर्दर इस वन से, इसके डिनोमिनेटर से इस वन माइनस ए को डिवाइड करोगे आप, कितने टाइम डिवाइड होगा, वन माइनस ए टाइम, ओके। तो वन मल्टीपल होगा किससे, वन माइनस ए से, वन से मल्टीपल करेंगे वन और वन इंटू दैट इज माइनस, आई होप इट इज क्लियर, ओके। तो देखिए इसको कर लेते हैं बेटा, यहां पर आपको ऑल थ्री टर्म्स में वन वन एंड वन एड करना होगा, ओके। सो देखिए ए अपॉन वन माइनस ए, यहां भी आपको वन प्लस करना है, बी अपॉन वन माइनस बी, यहां भी आपको वन प्लस करना है, सी अपॉन वन माइनस सी, यहां भी आपको वन प्लस करना है, और वन प्लस वन प्लस वन इक्वेशन को बैलेंस रखना है आपको। तो जब आपने लेफ्ट में थ्री प्लस किया है तो राइट में भी आपको थ्री प्लस करना होगा, और वन ऑलरेडी अवेलेबल है वहां पर, ओके। फर्दर इन दोनों का आप एलसीएम लोगे, इन दोनों का एलसीएम लोगे, इन दोनों का एलसीएम लोगे, सो दैट विल बी वन माइनस ए एंड दैट इज ए प्लस वन माइनस ए। अगेन फर्दर इट विल बी वन माइनस बी, that is b plus 1 minus b, okay? Further that is 1 minus c, c plus 1 minus c, और ये हो गया आपके पास 4, देखिए, plus a minus a, plus b minus b, c and c, so that will be 1 upon 1 minus a, plus 1 upon 1 minus b, plus 1 upon 1 minus c, that will be equal to 4. क्लियर है बेटा आपको ये क्वेश्चन? यस सर। तो ध्यान रखना ये ट्रिक कब अप्लाई होगी, जब यहां पर डिनोमिनेटर आपके पास बिल्कुल एग्जैक्ट हो, क्लियर है, तब ये ट्रिक आप अप्लाई कर सकते हैं। यस सर। चलिए ऐसा क्वेश्चन मैं एक और देता हूं आपको, है ना, करिए आप इसको कंप्लीट करिए पहले। यहां पर देखिए ये टर्म था आपके पास, ये टर्म था और ये टर्म था, क्लियर है। मैंने लेफ्ट में क्या किया, वन टू एंड थ्री, ये थ्री एक्स्ट्रा प्लस किया है ना आपने, हाँ, और वहां पहले से ऑलरेडी वन था, तो थ्री ये और वन ये, ओके। देखिए नेक्स्ट वन, नेक्स्ट देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर फाइव, इफ ए स्क्वायर माइनस बी सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी सी, ओके। फर्दर बी स्क्वायर माइनस सी ए अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी ए, फर्दर सी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन सी स्क्वायर प्लस ए बी, ओके। इसका वैल्यू आपको वन दे रखा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू फाइंड करना है किसका, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस ए बी, ये वैल्यू फाइंड करिए। वही मेथड है उस टाइप से, फोर सोल्व करके देखिए, नहीं कितना आएगा बेटा, फोर नहीं आएगा इसका आंसर,
सर टू टू यस टू इज करेक्ट सर टू टू आएगा बेटा परफेक्ट आंसर टू इज द परफेक्ट वही सेम प्लस वन कर दीजिए आप प्लस वन प्लस वन प्लस वन कर दीजिए तीनों टर्म में और इधर थ्री प्लस वन फोर हो जाएगा टू आएगा ना क्योंकि टू कॉमन आ जाएगा फिर इधर टू ए स्क्वायर होगा टू बी स्क्वायर सो टू कॉमन हो जाएगा फोर डिवाइड बाय टू इट विल बी टू बेटा सॉल्यूशन मैं नहीं बताऊंगा इसका आपको ही करना है यस सर कल है ना कर लोगे ना बेटा सॉल्यूशन बाकी स्टूडेंट्स ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स For what value of A A की value आपको बतानी है is x plus 1 by 4 root x plus a square is a perfect square. Is a perfect square. Means एक आपको expression या polynomial आप बोल polynomial तो नहीं हो गई है एक expression आपको given है इस expression को perfect square बनाना है या ये perfect square है clear है तो a की value क्या होनी चाहिए आपके पास ये परफेक्ट स्क्वायर है तो ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए आपके पास सर्ट्स के एलजेब्रा में तो नहीं हाँ वहां आ सकते नंबर सिस्टम में है क्योंकि आपका पूरा जो है ना सेवंथ एट्थ का जो पोर्शन है पूरा नाइन्थ टेंथ पर बेस्ड फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए ए की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए क्या होगा जब आपके पास ये वैल्यू है जो परफेक्ट स्क्वायर वन सर सर टू टू होगा चलिए देखते हैं अगर टू रखते हो आप यहां पर तो बन रहा है रूट एक्स प्लस टू रख रहे हो आप तो इसका स्क्वायर बनेगा ए स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर फोर हो जाएगा प्लस टू ए बी कहां बन रहा बेटा ये तो फोर एक्स हो गया ये वन बाई फोर एक्स है नहीं
देखिए क्या होगा, ये आपके पास नंबर है वन बाय, क्या बोला बेटा, वन बाय एट, वन बाय एट बोला है, तब तो सही है। ओके देखिए, इसको मुझे स्क्वायर बनाना है, कितनी टर्म्स नजर आ रही है आपको, थ्री टर्म्स, ठीक है। थ्री टर्म्स किसमें होती है, ट्राइनोमियल, ठीक है, या फिर स्क्वायर की बात करें तो या तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं, वहां पर थ्री टर्म नजर आती है आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, या फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं, वहां पर थ्री टर्म्स नजर आती है, क्योंकि आपके पास दो ही तो परफेक्ट स्क्वायर है टू टर्म में, या तो आपके पास क्या होगा ए प्लस बी होल स्क्वायर होगा, या फिर क्या होगा बेटा ए माइनस बी होल स्क्वायर होगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये होता है आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ओके, बट यहां पर आप देखिए सब में प्लस है, इसका मतलब है माइनस तो होगा नहीं, ठीक है ना, सब वैल्यूज जो है वो प्लस है आपके पास, तो माइनस तो होगा नहीं। अब देखिए यहां पर दो तो आपको परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, ओके, तो दो परफेक्ट स्क्वायर में क्या मैं इस x को, ये जो फर्स्ट में x लिखा हुआ है मेरे पास प्लस ए स्क्वायर, इस x को क्या मैं रूट x होल स्क्वायर लिख सकता हूं, ताकि मैं बोल दूंगा देखो इसका स्क्वायर है ये, क्योंकि मुझे ये तीनों टर्म एज इट इज चाहिए बेटा, तभी मैं परफेक्ट स्क्वायर बना पाऊंगा। नेक्स्ट वन देखिए, ये इसको तो मैं स्क्वायर नहीं बोल सकता, लेकिन इस ए स्क्वायर को क्या मैं बोल सकता हूं ए स्क्वायर, तो अगर कंपेयर करें यहां पर आप इससे ए स्क्वायर, तो ए के प्लेस पर तो ये टर्म हो जाएगा रूट एक्स, और बी के प्लेस पर क्या होगा ए हो जाएगा, बीच में क्या आता है टू ए बी, तो बीच में अगर देखा जाए तो क्या चाहिए आपको टू ए, ए के प्लेस पर क्या चाहिए रूट एक्स, और बी के प्लेस पर क्या चाहिए बेटा आपको ए, क्या यही होना चाहिए, ठीक है। और किसको लिख रहे हो आप, इसी को तो लिख रहे हो, तो अब देखिए ये वैल्यू जो है ये तो बिल्कुल इसके एग्जैक्ट इक्वल है, ये जो वैल्यू है ये भी इसके एग्जैक्ट इक्वल है, अब इसको आपने कन्वर्ट किया, इसका मतलब ये दोनों टर्म्स आपस में क्या होनी चाहिए इक्वल होना चाहिए, क्लियर है, ये इक्वल होना चाहिए, इसका मतलब इसको इक्वल पुट कर दो, इसको कितना होगा ये टू रूट एक्स इंटू ए को किसके इक्वल पुट कर दीजिए वन बाय फोर रूट एक्स के इक्वल पुट कर दीजिए, रूट एक्स है रूट एक्स कैंसिल आउट हो गया, ए फाइंड करना है सो टू डिवाइड में जाएगा तो वन बाय फोर इंटू टू वैल्यू ऑफ ए हो जाएगा आपके पास वन बाय एट, क्लियर है, ठीक है, तो इस टाइप से ही आएगा आपके पास। अब चाहे आप इसका स्क्वायर करके देख लीजिए ए का, आप इसका स्क्वायर करके देख लीजिए, यहां पर ये किसका स्क्वायर बन गया रूट एक्स प्लस ए का स्क्वायर बन गया आपके पास ये, ओके देखो रूट एक्स का स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर एक्स रूट एक्स का स्क्वायर एक्स आ जाएगा, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा, फिर क्या आएगा यहां पर टू इंटू ए इंटू बी, लेकिन इस ए के प्लेस पर क्या पुट कर दो आप वन बाई एट पुट कर दो तो टू से ये कट जाएगा फोर, देखिए वन बाई फोर रूट एक्स वही आ गया आपके पास, ओके तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, ओके नेक्स्ट जो लेक्चर है अभी वापस फोर ओ क्लॉक पर, तो वापस इसी का है आपके, ठीक है ना, तो वापस मिलते हैं अभी, ठीक है ना, ओके इसको इसको देखो बेटा 2ab आपके पास है, ठीक है ना, स्क्वायर कैसे करेंगे, वहां स्क्वायर तो है नहीं ना, रूट एक्स तो किसी को स्क्वायर बनाना है मुझे, 4 होता तो मैं 2 का स्क्वायर कर देता, 16 होता तो मैं 4 स्क्वायर कर देता बेटा, लेकिन वहां है टू, सपोज टू ही लिखा हुआ है, अब टू को मुझे स्क्वायर में लाना है तो टू किसका स्क्वायर होता है, कोई भी नंबर अपने रूट का स्क्वायर होता है, ध्यान देना इस चीज को, किसी भी नंबर को मुझे अगर स्क्वायर में लाना है ना तो उस पर रूट भी लगा दो स्क्वायर लगा दो, जैसे कहीं थ्री लिखा हुआ है, थ्री किसका स्क्वायर है, तो इस पर मैं रूट भी लगा दूंगा और इस पर स्क्वायर भी लगा दूंगा, तो थ्री ये अब भी थ्री है, लेकिन मैं क्या बोल सकता हूं
कि ये रूट थ्री का स्क्वायर है, ठीक है। तो वहां पर अगर एक्स स्क्वायर होता तो एक्स स्क्वायर पर मैं इस टाइप से रूट लगा देता, फिर स्क्वायर लगाता ना बेटा, तो ये कट जाता, तो मैं एक्स स्क्वायर को डायरेक्ट एक्स स्क्वायर लिख देता, लेकिन एक्स है ना ओनली, तो मुझे पहले इस पर रूट लगाना पड़ेगा और फर्दर इसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना। हाँ, यहां पर देख रहे थे आप, तो ए स्क्वायर हो गया बेटा आपके पास, देखिए प्लस बी स्क्वायर, टू ए बी टर्म होना चाहिए ना, तो ए क्या होता है, ये ए तो होता है आपके पास, ये ए है और ये क्या है, बी है, तो यही तो चीजें, ये ए यहां चला जाता है और बी यहां चला जाता है और टू और एक आपको गिफ्ट एम्पर मिल जाता है, ठीक है ना। तो यहां पर टू अप्लाई कर दिया आपने, ये लो टू कर दिया बेटा, आ रहा है समझ में आता है, फिर ए की वैल्यू तो आगे वाला स्क्वायर, अरे समझो आपको नहीं आ रहा। यहां देखो ना, ए क्या है, ए क्या होता है, इस रूट स्क्वायर को रिमूव कर दो तो जो बाकी बचता है वो ए होता है, इस स्क्वायर को रिमूव कर दो तो जो बाकी बचता है वो बी होता है, यही तो है। देखो आप, इसी ए को तो यहां ट्रांसफर किया है, ए क्या है, जिसका स्क्वायर हो रहा है वो ए, यहां जिसका स्क्वायर हो रहा है वो बी है, क्लियर है। तो यहां पर टू, यहां स्क्वायर किसका हो रहा है, रूट एक्स का, तो ए की वैल्यू रूट एक्स है यहां पर, तो ए ये पुट करोगे आप इन टू बी, यहां स्क्वायर किसका हो रहा है, ए का स्क्वायर, तो यहां पर जो बी है वो उसकी वैल्यू क्या है, ए, ठीक है। हाँ, ये टू ए बी, इस टू ए बी को इसके इक्वल रख देंगे तो ओके, तो करते हैं वापस कंटिन्यू, ओके बेटा, ठीक है। अभी 4 o'clock पर वापस स्टार्ट होगी क्लास।